हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आप लोग के एग्ज़ाम आ रहे हैं SBI के, IBPS के एंड RRB के, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हर शिफ्ट में होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर शिफ्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। आपका फ्रेंड करके आता है, वो बोलता है मैंने तो किए 100 में 60 क्वेश्चन, बट आपके शिफ्ट में हर कोई बोलता है कि मैंने तो किए सिर्फ 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। तो उससे आपको लगता है कि पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी एंड मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, मेरे तो कम क्वेश्चन हुए हैं, उसके तो ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं, उसके उन तो अप्रॉक्सीमेशन 10 नंबर का आया था, बहुत सरल सरल, मेरे में तो अप्रॉक्सीमेशन 3 नंबर का आया था, वो भी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, पेपर का लेवल हर शिफ्ट में डिफिकल्ट मतलब सॉरी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हर शिफ्ट में सेम लेवल का पेपर हो। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना, किसी को नहीं पता कि वो लेवल कैसे हाई में, बनाने वाले को भी क्या पता कि लास्ट शिफ्ट में कैसा पेपर था, क्योंकि पेपर तो अलग अलग सेट होते हैं। ठीक है, कोई एक आदमी तो सेट करता नहीं है। तो आज हम वही देखेंगे कि एक्चुअली आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। मार्क्स आप करके, कभी कभी आपके साथ पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, आप करके आते हैं 30 नंबर का, नंबर आपके होते हैं 32। ठीक है, ऐसा हो जाता है, कैसे होता है ये भी हम आज देखेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी रीजन से अगर आपको अच्छी लगती है, किसी भी रीजन से आपने देखा है, थोड़ी भी 1% भी अगर आपकी हेल्प हो पाती है, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर जिसका चैनल है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए एंड होपफुली आप लोग वो कर देंगे। एंड उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए, आपको पहले से ही, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, वो एग्जाम कितने शिफ्ट में हुआ, मेनली 4-5 शिफ्ट तो हो ही जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 या अलग अलग डेज, ठीक है, 4 दिन में हुआ, तो सब ऐसे कैलकुलेट होता है, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 एंड दिस इज शिफ्ट 4। 4 शिफ्ट में हो गया एग्जाम। अब 4 शिफ्ट में बच्चे कितने कितने बैठ रहे थे, इस शिफ्ट में थे 1000 बच्चे, इस शिफ्ट में थे 1000 कैंडिडेट्स, इसमें थे 1000 कैंडिडेट्स एंड इसमें भी थे 1000 कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब 1000 कैंडिडेट्स थे शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ईजी रहेगा समझना। हाँ, तो देखिए अब क्या हुआ कि इस शिफ्ट में, शिफ्ट 1 जो थी, इसमें जो एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा सारे कैंडिडेट्स का, मतलब 1000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया एंड उनका एवरेज मार्क्स आया 40 नंबर। अब शिफ्ट 2 क्या हुआ भाई, पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट, अब पेपर उतना इजी रहा नहीं, तो इसमें भी सारे कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स आया सिर्फ 30 नंबर। क्यों? क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ गया। शिफ्ट 3 में क्या हुआ कि सारे कैंडिडेट, पेपर जो था फिर थोड़ा ठीक ठाक एवरेज था, एंड चलिए इसमें मान लीजिए आ गया सबका एवरेज 38। शिफ्ट 4 में तो एकदम कहर मच गया एंड जो आपकी पेपर थी वो बहुत ही डिफिकल्ट आया एंड इसमें हो गया 25। ठीक है, अब ये तो 25 नंबर ही करके आया। ठीक है, नीचे एक हम ब्लैंक छोड़ेंगे जिसमें अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। 25 ही छोड़ के आया, मतलब नंबर करके आए एवरेज कैंडिडेट्स, तो अब तो हो गई बहुत डिफिकल्टी की किया क्या जाए। ठीक है, अब मान लीजिए इन टोटल कैंडिडेट्स 40,000 कैंडिडेट्स जो हैं, इन 40,000 कैंडिडेट्स का जो एवरेज मार्क्स था, मतलब जो एवरेज मार्क्स ये लेकर आए हैं, इन सारी शिफ्ट का मिला के जो एवरेज मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स वो निकाला जाता है, मान लीजिए वो आया है 30 नंबर। मतलब सारी शिफ्ट को मिलाकर भाई एवरेज 30 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इतना तो अब आपका निकल गया। लेकिन अब क्या होता है, अब आपके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एंड ये यही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है हर एग्जाम में। तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, ये फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ टॉप 0.1% ऑल शिफ्ट, ठीक है, माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट, कौन से, ऑल शिफ्ट, डिवाइड बाय एवरेज ऑफ टॉप 0.1% इसमें स्पेसिफिक शिफ्ट, मतलब जिस शिफ्ट से कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है, जिसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट। अब ये कैसे होता मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी है एंड आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं आएंगे कि पेपर आपका टफ आया दूसरे का इजी आया है। यहां पर आएगा एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट
माइनस एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स किसके स्पेसिफिक शिफ्ट से, जिस शिफ्ट से कैंडिडेट है, ठीक है, प्लस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट, ठीक है, ऑल शिफ्ट। तो ये होता है फॉर्मूला। देखिए पहले क्या होता है, इस शिफ्ट में 1000 बच्चे थे, एवरेज मार्क्स थे 40। अब इसमें क्या होगा, टॉप 0.1% कैंडिडेट, मतलब जो सबसे अच्छा स्कोर किया 0.1% कैंडिडेट्स ने, उनके मार्क्स कितने थे ये देखा जाएगा। तो भाई टॉप के 0.1% ने तो बढ़िया पेपर किया, उनका एवरेज आया 75। इसमें टॉप के 0.1% ने भी बढ़िया किया और इनका एवरेज आया 60। इसमें भी जो टॉप के 0.1% कैंडिडेट थे, इन्होंने भी ठीक परफॉर्म किया एंड इनका एवरेज आया 65। और यहाँ के जो टॉप 0.1% कैंडिडेट थे, उनका एवरेज आया 55। तो देखिए जैसे पेपर टफ होगा तो भाई टॉप के जो बहुत अच्छे पढ़ने में है वो भी इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे, तो उनके भी मार्क्स आए कम। एंड यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्क्स 30 है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप 0.1% सबका, ऑल कैंडिडेट्स, मतलब एवरेज 0.1% ऑल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो मानिए वो आया 70, ठीक है। अब एक कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम क्या है, राकेश। इनके मार्क्स कितने आए हैं, इनके मार्क्स आए हैं 50। एंड ये किस शिफ्ट से हैं, ये हैं शिफ्ट वन से, ठीक है। अब ये हैं शिफ्ट वन से, इनके मार्क्स आए हैं 50, पेपर था इजी, ये पेपर करके आए, इनको तो लगा कि वीडियो देखा कि इन्होंने किसी का, ठीक है, कि भाई कट ऑफ क्या जाती है, बोला कट ऑफ तो 40 जाएगी, 40 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है, लोगों ने ये बताया। लेकिन होता क्या है कि कट ऑफ 40 गई, इन्होंने सोचा मैं तो 50 करके आया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगी। माना कट ऑफ 45 गई, इन्होंने सोचा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ 45 जा रही है और ये 50 क्वेश्चन करके आए। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट ऑल शिफ्ट, तो ऑल का एवरेज कितना है 70, यहाँ लिखा जाएगा 70। माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट, तो ऑल शिफ्ट का एवरेज कितना है 30, माइनस 30 डिवाइड बाय एवरेज ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट, ये किससे थे, ये शिफ्ट 1 से थे, यहां पर कितना था 75, और माइनस एवरेज ऑफ ऑल स्पेसिफिक शिफ्ट कितना था 40, इनकी शिफ्ट में एवरेज था 40, ये हो गया 40। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्चुअल मार्क्स कितने थे इनके, इनके मार्क्स थे 50 माइनस एवरेज ऑफ टोटल मार्क स्पेसिफिक शिफ्ट। तो देखिए यहाँ पर कितने थे इनकी शिफ्ट में 40 थे, तो हो जाएगा माइनस 40 एंड प्लस एवरेज ऑफ टोटल, एवरेज टोटल अगेन 30 है। अब इसको किया जाएगा कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 70 माइनस 30 हुआ 40, 75 माइनस 40 कितना हुआ 35, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 50 में से 40 किया कितना बचा 10 एंड यहाँ पे कितना आ गया प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 400 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35 वन, देन अगेन 5 एंड 1 एंड 0.42, ठीक है, ये आएगा। एंड प्लस कितना था साथ में, ये प्लस 30 भी तो था यहाँ पर, 30, ये वाला 30, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस 30, इनके एक्चुअल मार्क्स आए 41.42। ये भाई पेपर बहुत बढ़िया कर कर आए थे और इन्होंने 50 मार्क्स का किया था, ठीक है, और कट ऑफ 45 गई, लेकिन ये सिलेक्शन इनका नहीं हुआ, ये सिलेक्शन से बाहर हो गए। सिलेक्शन से बाहर क्यों हो गए, क्योंकि मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ। अगर ये नॉर्मलाइजेशन ना किया जाता तो जो शिफ्ट 4 के कैंडिडेट्स हैं ये इनके साथ नाइंसाफी हो जाती, या जो बाकी शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाती। वो नाइंसाफी इसलिए हो जाती क्योंकि वहाँ पर पेपर टफ था, वहाँ पर वो इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते थे जितने क्वेश्चन शिफ्ट 1 में किए जा सकते थे। तो इस तरह होता है नॉर्मलाइजेशन। आपको बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है कि आपकी शिफ्ट में पेपर टफ आ गया है तो अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का। एंड ये बहुत ही फुल प्रूफ फॉर्मूला है जिससे मार्क्स एक्चुअली सही कैलकुलेट होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, जिनके मार्क्स कम है उनके मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कम वाले के बढ़ेंगे, नहीं, वैसे ही रहेंगे। हो सकता है जिनके यहाँ पे आप कैलकुलेट करें किसी, अब आप क्या करिएगा, कैलकुलेट करके देखिए एक बार, जरा पॉज करके वीडियो फॉर्मूले से यहाँ पर देखिए, किसी आप इस शिफ्ट में किसी ने एग्जाम दिया है एंड उसके मार्क्स 30 आए हैं, कैलकुलेट करिए, देखिए मार्क्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है मार्क्स 35-37 पहुंच जाए, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा। सो थैंक यू, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।